बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दे, पीएम कैंडिडेट घोषित हो प्रियंका गांधी। जी हां, कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आया है। प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि 2024 के लिए पीएम कैंडिडेट घोषित किए जाएं और प्रियंका गांधी को उसका कैंडिडेट बनाया जाए। तो ये बड़ा बयान सामने आया है, कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने ये बयान दिया है। तो ये कहा जाए कि पूरे देश में प्रियंका वर्सेस मोदी पर चुनाव हो। प्रियंका जी के वाराणसी से चुनाव लड़ने का, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ प्रियंका जी के चुनाव लड़ने का जो फैसला है, तो उससे तो ज्यादा अच्छा हो कि प्रियंका गांधी जी को संयुक्त विपक्ष का प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बना दिया जाए। यदि प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री के पद का कैंडिडेट बनाया जाता है तो फिर पूरे देश का चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी हो जाएगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जानकारी लेते। शरद जी, ये बड़ा बयान सामने आया है प्रमोद कृष्णम जी का, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि प्रियंका गांधी को वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहिए। तो क्या वाकई में अब प्रियंका वर्सेस मोदी जी पर यह चुनाव होने वाला है? क्रिकेट में एक बात कही जाती है, संस्कृति, जब कोई बॉलर बहुत जोर से अपील करता है लेकिन उसको ये मालूम होता है कि गेंद ऑफ स्टंप या लेग स्टंप के बाहर जा रही है, LBW नहीं मिल सकता है, लेकिन वो पूरे जोश से अपील करता है क्योंकि उसका ये धर्म है, और कई बार वो प्रेशर बनाने के लिए भी ऐसा करता है। तो एम्पायर उस समय या कमेंटेटर यही कहते हैं कि इस अपील में जोश ज्यादा है, भरोसा कम है। तो मैं वही बात कहूंगा कि प्रमोद कृष्णम ये जो बात कह रहे हैं इसमें जोश ज्यादा है, कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार के प्रति स्नेह और भक्ति अधिक है, लेकिन इसमें हम सब जानते हैं कि ये संभव कई राजनीतिक कारणों की वजह से नहीं है। क्यों नहीं है इसको अगर आप और हम समझें, नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस तरह की कोई हवा और कोई ऐसी लहर इस समय नहीं चल रही है जिसको आप कहें कि वो बीजेपी विरोधी लहर है, और इस लहर में बड़े बड़े नेता भी जो हैं उन पर भी संकट मंडरा सकता है चुनाव में। नरेंद्र मोदी जी की जो वाराणसी से जीत है वो लगभग आप समझिए कि उसको लेकर संशय कम है, तो ऐसी स्थिति में प्रियंका जी को उनके मुकाबले उतार कर और चुनाव में अगर वो सफल नहीं होती हैं तो ये उनके राजनीतिक करियर पे सवाल होगा। तो और यही चीज पहले राहुल गांधी जी के साथ हो चुकी है, इसीलिए उन्हें फिर दो जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा था 2019 के लोकसभा चुनाव का, और केरल से वो वायनाड सीट से वो जीते और अपनी सीट जो उत्तर प्रदेश की है अमेठी वहां से उन्हें सफलता नहीं मिली। तो ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई, प्रियंका एक स्टार प्रचारक के तौर पर अभी अनुभव अर्जित करेंगी, उनका बहुत लंबा अनुभव राजनीति में नहीं है, वो अपने भाई राहुल गांधी जी के बाद राजनीति में आई है, नो डाउट वो एक बहुत ब्राइट फेस है लेकिन अभी उन्हें बहुत सीखना है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये एक थोड़ा सा सुर्खियों में बने रहने का एक विशुद्ध रूप से प्रशंसा और भक्ति भाव से दिया गया एक बयान है। और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस जोर आजमाइश की कोशिश करते नजर आ रही है। चलिए शरद जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।